आवर चैनल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त मजे में होंगे, सारे ठीक ठाक होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरा और श्री के साथ। श्री अपनी स्कूटी लिया खड़ा है, छोड़ का होगा बड़का ने, और हम तैयार हो रही हैं अपने स्कूल जानता ही, और बड़क भी आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। आज है सैटरडे तो भाई ड्रेस पहन के जा रहे हैं बड़क, और गर्मी इतनी को सुती हो रही है, पाँच साल में कितनी हिम्मत ना रह रही है बड़का की, है ना। असमी सैंडल पहने है, बोतल ले ली यंसु, बोतल जैनू बोतल है मेरे पास, आज ये तो पीन। आ जाओ जल्दी आ जाओ। आजा आजा चलो भाई यंसु, इन तीन वन ले जाओगा सीरी, बैठो रे जल्दी जल्दी चल जानू। आगे जगह कौन है मामा स्कूटी पे जाने तो बाद में चले जाइए, बैग में दे दे, बैग में ले आऊंगी, ले अपना बैग बजा कर ली, बैठ ले खड़े हो ले, चलो बाय 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 बाय। सारे तैयार हो रहे हैं, सारे अपनी गाड़ में खड़े हैं, बाइक का वेट कर रहे हैं सारे, है ना। पूर्वी ए पूरी, पूरी भी अपनी बाइक पर जाओगी, सबने बाइक का चाव है, सारे अपने बाइक पर चल पड़े हैं, मैं भी चल रहा हूँ अपने जानू का बैग लेकर, ना मैंने तो जाना है पाई तो हम भी चलते। सब ने अपनी अपनी कमान संभाल ली है, कोई स्कूल में गया, कोई प्लांट में जावने लग रहा है, और मन्ने भी अपना घर का काम से वो निपटाना पड़ेगा अपना, वो ही झाड़ू पोछा डस्टिंग का, जितना हो सके उतना जल्दी निपटा लो, क्योंकि बाद में धूप गर्मी हो जाए तो काम करने का जी को नहीं करे। गर्मी आजकल इतनी पड़ रही है, हट्टा कट्टा मानस का भी ग्लूकोज चढ़वा दिया है। जी हाँ, हट्टा कट्टा मानस का भी ग्लूकोज चढ़वा दिया है, वो तो आपने दिखने लग रही होगा। भाई यार था मेरा तो इसके ग्लूकोज चढ़ने लग रहा है, पेट में दर्द से वो हो रहा था, तो डॉक्टर ने सीधा ग्लूकोज वो चढ़ा दिया है। बाकी डॉक्टर ने बोला भी है जितना हो सके दिन में हेल्दी फूड और ड्रिंक है करी जावे उतनी करो, आजकल तो फास्ट करने का तो कोई धर्म है कौन नहीं, तो जितना हो सके आप खावन पीवन की कोशिश करो, ध्यान दो। बाकी मेरा अपना वो झाड़ू पोछा का काम से वो चलने लग रहा था, मैं कहने लग रही थी भाई टाइम पर है अपनी रोटी राटी खा लिया कर, क्योंकि आजकल बिजी शेड्यूल ऐसा हो जाए, टाइम पर रोटी खाई जावे ना खाई जावे तो बस वही जिक्रा होने लग रहा है। गर्मी की अगर बात करूँ तो बाहर कुछ स्त्रियों की आवाज़ से वो चालन लाग रही है, ईब तो यह हवा है वो आंधी का रूप ले रही है, लेकिन दोपहर में यह ही हवा लू का रूप है वो ले लेगी। बाकी मैंने पूरा रूम है वो कवर कर दिया है, खिड़की है वो कवर कर दी है, मैंने सोच अगर कवर नहीं करांगा तो फिर रूम है वो ठंडा नहीं हुएगा। गाँव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दौरा था, अनाउंसमेंट आवन लाग रही है, एक बार गाड़ी आ ली थी और एक बार ईब या ऑटो है वो आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के गल शेयर है वो किया जावे, चाहे कितनी भी गर्मी हो लेकिन एक दो काम ऐसा हो जावे हैं जो करना जरूरी भी हो जावे हैं। वरा अनिता रही है किचन में, के करने लाग रही है वो तो आपने दिखना लाग ही रहा होगा, आटा है वो बूंदने लाग रही है, ये वाला आटा हमारा जैन ने बहुत अच्छा लगा है, चाहे इसमें घी डालो चाहे मत डालो, मीठा डाल के दे दो, और जब ये डाल के मुंह में वो कर रहा है फूफा करके उड़ा हुआ है तो उसने बहुत अच्छा लगा है, तो स्पेशल उसकी डिमांड रहा है मोम, मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, एक बार वो आटा है वो भूंद दे, क्योंकि कई बार उसकी बुआ ने जब पूर्णवासी कराया करती तो उसकी बुआ ने आटा है वो भूंद कर दिया था, तो बड़का का फिर वही हो जाए जब अपन जो काम कर रहा है, एक बार बड़का थी बता दिया कि हम तो पहले नू करा करता फूफा, तो वे भी उड़ावन लाग जाए। बाकी आपने भी उड़ाया होगा, किस किस ने उड़ाया है नू करके कमेंट करके जरूर बताइयो। फिलहाल अनिता आटा बूंदन लाग रही है, मैं वो घी वाली डोली है वो खाली करूंगी, स्पेशल इसी घी की डोली खाली करने खातर अपन वो आटा है वो भूंदना पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी जावेगी घर स्पेशल घी लेकर आई थी, गाय का घी लेकर आई थी, और वो घालांगा आपा, मेरा तो कांगनी ये ध्यान में आवे है लेकिन खरी टी डालांगा, क्योंकि भी मेरा मन में वो ही है कि कांगनी डालांगा, तो कांगनी नहीं खरी टी डालांगा, और डोली खाली करनी पड़ेगी। सुबह सुबह का अगर होता तो फिर वो जाती कि इसमें रोटी मोर देता, चूरमा सा है वो बना देता, ईब दोपहर में ना तो आप रोटी मोर सका,
ना आप चूरमा बना सका तो डोली साफ करके देनी भी जरूरी है। जाते हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत आटा है वो भूंद लिया जावे। वैसे तो मम्मी कह रही थी कि हलवा बना दे, लेकिन वो ही था कि ना जियान ने कह दिया था कि नहीं माँ जी आज हलवा नहीं बनाएंगे, आज वो ही आटा बनाएंगे बुआ जी वाला, क्योंकि बुआ जी जो आटा बनावे हैं। तो बस मैंने अपना गिरी ता दिया था, तो मैं अनिता नु कह रही थी एक बार अपना काम से वो डमाड़ ले, क्योंकि मैंने इतना को नहीं बेरा था इनका। तो बस वो मैंने अपना आटा है वो भूंद दिया है, डोली है वो भी खाली कर दी है, घी मिला देवांगा, अगर इसमें गूंद मिला देवा तो गूंद का लड्डू हो जावे है, वैसे बनावांगा तो यही आटा का लड्डू है वो बन जाएंगे। तो आपा ने लड्डू तो बनाने की जरूरत है सही को नहीं, क्योंकि इबे ही खाया जाओगा, इतना तो ज़्यादा मैंने आटा है वो भी को नहीं बूंदा था, और घी है वो थोड़ा है गाय वाला कम से जाती, वरडोली है मैं अपनी साफ कर देऊंगी, और फिर खा पी के मम्मी जाओगी अपने घर। जी हाँ मम्मी एक बार फिर तो अपने घर है वो जावने लग रही है, पहली तो देख लो सारा ना मैंने गाल के दे दिया है, और एक साइड ने टीवी है अपना चालन लाग रहा है, बालका ने भी गर्मी इतनी हो जाए, देखो बालक बाहर भी खेलने कित जावे, सारे दिन स्कूल का काम से वो भी को नहीं करे जा, तो थोड़ी बहुत देर तो टीवी का सारा भी बालका ने डांटा जावे है। तो बस पूरा टीवी है वो चालन लाग रहा है, टाइम 5:30 बजे का हो लिया है, सारा अपना अपना खावन लाग रहे हैं, जितना भी मिला था सिरी है वो भी आ लिया है अपनी बुआ ने लेने, रवर में कह रही थी तेरा जो सिर पर गमछा बांध रखे बहुत भूंडा लागा है, ऐसा लागा जना पाडा बेचनिया हो रहा हो, तुम बोले ले बस उतार देऊंगा। तो हमने दोनों बाण भैया ने खा लिया था, और इनका इबे चालन ही लाग रहा है, बाकी जियान और जियान की मम्मी है वो नीचे बैठ कर खावन लाग रही हैं। तो एक बार सिरी आया है सुबह की थोड़ी बहुत बात वो जो रह जाए हैं वो एक बार फिर थी अपनी बात से वो निपटा ली जावे, बाकी देखो चाहे कितना ही बैठ लो बात अपनी कदे पूरी है वो कोनी हुए हैं, तो बात तो अपनी नुए चलती रहेंगी, घर भी जाना जरूरी है। मम्मी ईब जावेगी घर, और देखो मजबूरी हो जाए है कि अपना पोता पोतिया ने अपना बालका ने छोड़ कर महीना में 2-3 चक्कर मायका का लागे हैं, और इस बुढ़ापा में तो कोई ना कोई मजबूरी ही हुआ है, तो मजबूरी के कारण मम्मी ने जाना पड़ रहा है, 1-2 दिन डटेगी और उसके बाद फिरती अपने आ लेवेगी। तो चाल पड़ी है मम्मी और ईब कर दिया हापा भी बाय बाय, आप लोग भी कर दो बाय बाय। 6 बजे का टाइम हो रहा है, सूरज इतने जोर का हो रहा है, गाम गर्मी तो अपने बेरा है तोड़ पड़ रहा है। तो मम्मी जाली है घर, मम्मी जाया पाछे फिर वो हो जाए झाड़ू पोछा अपना झाड़ू अपने निकल को नहीं सके, तो इब चलो आपा भी चलांगा घर, और कुछ ना कुछ काम से वो करना भी जरूरी से वह तो कर दूंगी। फिलहाल मम्मी जाली है और 6:15 बजे का टाइम हो लिया है, अरे आवाज कम कर लो, आजकल मारा बालका ने हिस्ट्री चैनल है उसको चाव चढ़ रहे है, क्यों? क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी के है ध्यान, मारा वाईफाई ना चल रहा, कमती कम भी 1 सप्ताह ती फालतू हो गया होगा, सुबह 10 बजे कट मारा है, शाम ने 6 बजे पास से चल रहा है, बात भी करी थी के बात से क्यों ना भाई क्यों ना चल रहा, के ब्रो मारा है वाईफाई में गड़बड़ हो या वैसे ना चल रहा, तो कह रहा था BSNL वाला का कुछ काम है वो चालन लाग रहा है, तो 6:30, 10:30, 6 बजे की शिफ्ट है उनकी रवा है, जहाँ वाईफाई है वो चाल ना रहा। तो खैर मम्मी तो जाली है इब अपना है थोड़ा बहुत एक झाड़ू झूड़ू तो लगा कौन सका, क्योंकि घरती एक बार कोई जावे तो झाड़ू ना लगाया करे, और वैसे साफ ही आज कोई बाहर भी ना निकले ही वो तो लगाया पाछे। गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दौरा था तो लड्डू बांट के गया सी, वैसे तो जिस जगह पे वो आ रहा था लेडीज तो शायद गई कोनी होंगी ना हम गया था, लेकिन वो इसे कि मारी डाणी में लड्डू बांट के गया ही, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों का गले एक बार यह चीज़ भी शेयर कर दी हूँ। तो एक साइड ने थोड़ा सा दूध है वो सुबह का बच रहा था तो गर्म कर दी हूँ, तो कैसा लगा आज का वो लोग कॉमेंट करके जरूर बताइए, वो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।